मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे वैभव यादव शादी के बंधन में बंध गए हैं। 24 फरवरी को वैभव और शालिनी ने शादी कर ली है। सीएम मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी एक किसान परिवार की बेटी शालिनी यादव से करवाई है। हरदा के किसान परिवार की बेटी शालिनी यादव ने अपनी पढ़ाई इंदौर और उज्जैन में की है। शालिनी यादव ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। शालिनी यादव और सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव यादव राजस्थान के पुष्कर में विवाह बंधन में बंधे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे वैभव यादव बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक हैं। इससे पहले वो एबीवीपी में सहमंत्री रह चुके हैं, जबकि हरदा की रहने वाली शालिनी यादव के पिता सतीश यादव एक किसान हैं। 23 फरवरी को उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव के घर पर हल्दी मेहंदी की रस्म पूरी की गई। अब 24 फरवरी को विवाह का कार्यक्रम पुष्कर के पुष्करा रिसोर्ट में सम्पन्न हुआ है। इस शादी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही उनके परिवार के सदस्य और सीएम भजन लाल शर्मा समेत कई वीवीआईपी हस्तियां शामिल हुई। इस शादी में वीवीआईपी समेत करीब 200 मेहमान शामिल हुए। पहले यह शादी समारोह मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित करने का फैसला किया गया था। सीएम का पद संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी सादे समारोह में करने का फैसला किया।